करनी चाहिए। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर जीरो गाइस एंड वेलकम बैक टू खुर्रम चैनल। सो गाइस आज लेकर आए हम आपके लिए ऑल्टो K10 मॉडल 2019 जो गाड़ी है जिसकी आज ही मॉडिफिकेशन हो चुकी है और ये देखने में इतनी साफ है जिसकी आज ही मॉडिफिकेशन हो गई है और देखने में ये बहुत ही सुंदर है क्योंकि ब्लैक कलर है और यू नो वेरी वेल कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। जब हम किसी काम की बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत ही जरूरी है, थोड़ा फनी होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ काम ही नहीं होना चाहिए, जो आप सीरियसली देखो और सीरियसली सुनो। तो ये वाली गाड़ी है ऑल्टो K10 जो अभी अभी मतलब हमारी क्विक वे मॉडिफिकेशन से मॉडिफाई होकर आई है, तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम इस कार के ऑनर से ही पूछते हैं। तो सर प्लीज, ये इनकी गाड़ी है तो सर आप बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस आपने करवाई? हर एक चीज़ चेंजेस की, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर से लेके एसी वेंट से लेके हर एक चीज़। ये जो एसी वेंट है ये ऑल्टो K10 में नहीं आते हैं, थार में आते हैं, ये इसमें फिट करवाए हैं। हाँ अच्छा, थार वाले मतलब गाइस देख रहे हो, थार वाले जो एसी है वो ऑल्टो में फिट है, वो पूरे J&K में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि थार की कुछ चीज़ें हैं वो ऑल्टो में फिट है। कैमरा मैन प्लीज। उसके बाद इसका जो इंटीरियर है वो फुल इसमें लेदर में हुआ है, सीट कवर्स लेके हर एक चीज इसकी जो है चेंज हुई है। हाँ, अंदर K4 लाइटनिंग लगी हुई है इसमें। लाइटिंग कहाँ पे है? ये जलेगी अभी यहाँ से। सो गाइज ये देख रहे हो, ये यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी इन्होंने लगाई है और शाम के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी और इसको कम ज्यादा करने का शायद कंट्रोल है म्यूजिक का। ऐप कंट्रोल है ये, और जो ये एसी वेंट्स हैं ये लाइट्स का, ये भी ऐप कंट्रोल के साथ चलते हैं, इनमें भी लाइट जलती है, आप वो चेक कर लो, वहाँ पे वो दिख रहा होगा। और बाकी और क्या करवाया? बाकी इसका पूरा सिस्टम जो अपग्रेड कराया हुआ, अंडर बॉडी लाइटिंग, अलॉय में लाइट्स, हर एक चीज में लगी हुई है ये बताना। तो गाइस ये रहा इनका अलॉय में जो है ये लाइट्स वगैरह लगी हुई है जो बहुत ही प्यारी दिख रही है, मैं भी लेदर लगी हुई है इसमें रेड कलर की, और ये रात को ना ज्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। तो अभी आपको हम इतना ही बता देते हैं कि इसमें चेंजेस क्या क्या हुई है गाड़ी में। आपने अभी सुना, इन्होंने गाड़ी के ऑनर ने खुद बोला कि ये चेंजेस हुई है। तो सर आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपको ठीक सर्विस मिली कुछ पे से? सबसे मतलब बेस्ट जो है यही पे है, मॉडिफाइड हो गई है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है टाइम से, ठीक है, जैसे कि फ्रंट लाइट्स इसकी कस्टमाइज है, बैक लाइट कस्टमाइज है, स्पॉइलर वगैरह है, पूरे J&K में स्पॉइलर वाली ये वाली ऑल्टो कोई भी नहीं है, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑल्टो यही है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट शो होता है, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको हमारे कस्टमर जो है बहुत सेटिस्फाइड है कुछ भी मॉडिफिकेशन से, तो आप भी ज़रूर विजिट करें, यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो आपके लिए वो भी अवेलेबल कर देंगे। तो गाइस क्विक वे मॉडिफिकेशन भटिंडी नियर MP सारे वाला एक्सल मार्केट के पास है। तो ये दिखा दो इनको शॉप यहाँ पे। तो गाइस ये वाली शॉप है, हमने आपको पूरी लोकेशन दिखा दी, तो जल्दी से आए, किसका वेट कर रहे हैं, ट्रक भी मॉडिफाई होते हैं अब, ये मुझे पता चल गया, तो आपको पता नहीं चला अभी तक। यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सारे ना ऊपर अपने ही रूम में आमिर माजिद की गाड़ी तैयार करने में लगे हुए हैं। और अगर आप देखोगे ना वो गाड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर हुई है, मतलब वो सारे वहीं पे उसकी गाड़ी, उनकी गाड़ी तैयार कर रहे हैं आमिर माजिद की। तो जब वो वहाँ से आएंगे, वो गाड़ी साथ में लेकर आएंगे आमिर माजिद की, तो उसका ब्लॉग भी शूट करना है, तो मैं आपको दिखा दूँ।